Assalamualaikum guys, I'm going to discuss the very important topic, that is the types of compounds. In the previous video I have discussed that what is compounding and the structure of compounds and the main element in the structure of compound, that is head. So agar kisi ne wo video nahi dekhi to uska link description mein maujood hai, aap wahan par jaake us video ko watch kar sakte hain. लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें. चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो. सो द टुडेज टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स? देयर आर बेसिकली टू मेन टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स एंड दैट आर द रूट आर द प्राइमरी कंपाउंड्स एंड द सेकेंड वन सिंथेटिक और द ड्यूरेबल कंपाउंड्स. चले सबसे पहले हम देखते हैं सिंथेटिक कंपाउंड्स. व्हाट आर द सिंथेटिक कंपाउंड्स? सिंथेटिक कंपाउंड्स आर कंपोज ऑफ टू मॉर्फीम्स वेयर द हेड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ब एंड द नॉन हेड इज इंटरप्रेटेड एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट वर्ब. सो सिंथेटिक कंपाउंड्स में हमारे पास जो है वो टू मॉर्फीम्स हैं जिनमें हेड जो है वो वर्ब से डिराइव्ड होता है, यानी कि जो हेड है वो वर्ब होता है. पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टू मॉर्फीम्स जो कि इंग्लिश कंपाउंड्स के अंदर टू मॉर्फीम्स बेसिकली यूजुअली जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है वो फ्री मॉर्फीम से होती है. फ्री मॉर्फीम्स दैट कैन स्टैंड अलोन एंड दैट कैन गिव देयर मीनिंग इंडिपेंडेंटली. सो ये टू मॉर्फीम्स के कम्बिनेशन से हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है. और हेड जो है पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हेड है वो हमेशा इंग्लिश कंपाउंड्स के अंदर सेकंड वन होता है. लाइक जो सेकंड मॉर्फीम होता है वो हमारे पास हेड होता है एंड द फर्स्ट वन इज एक्ट एज द नॉन हेड. सो जो हेड है इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ब. इसके अंदर सिंथेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो हेड होता है वो वर्ब होता है और जो नॉन हेड होता है वो क्या करता है, हेड के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा होता है, उसको मॉडिफाई कर रहा होता है. जैसे कि एग्जांपल के अंदर हम देखें, सो एग्जांपल है हमारे पास हैंड वॉशिंग. सो वॉशिंग द सेकेंड वन मॉर्फीम. सो सेकेंड मॉर्फीम इज ऑलवेज द हेड इन द इंग्लिश कंपाउंड. सो वॉशिंग हमारे पास हेड है एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट इज अ वर्ब. सो ये सिंथेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो हेड है दैट इज डिराइव फ्रॉम वर्ब. सो हेड हमारे पास क्या है, यहाँ पे वॉशिंग एक वर्ब है. सो यहाँ पे वॉशिंग, व्हाट इज वॉशिंग? सो हैंड वॉशिंग. सो हैंड यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये मॉडिफाई कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है किसको, हेड के मीनिंग को. हैंड नॉन हेड है और वॉशिंग हेड है और इस तरह ये जो नॉन हेड है ये दैट इज इंटरप्टेड एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट वर्ब. ये जो हेड है उसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है. इसी तरह होम मेड, वेल कुकड. सो कुकड क्या, वेल, वेल कुकड. सो ये एक दूसरे के मीनिंग को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं. जैसे कि नॉन हेड है वो क्या हमारे पास हेड के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है. सो ये हमारे पास जो है वो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, हैंड वॉशिंग, होममेड एंड वेल कुक्ड. नेक्स्ट हमारे पास रूट कंपाउंड. सो व्हाट आर रूट कंपाउंड्स? रूट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू मॉर्फीम्स विच मे बी नाउन्स, एडजेक्टिव्स आर द वर्ब्स. द सेकेंड मॉर्फीम इज टिपिकली नॉट डिराइव फ्रॉम अ वर्ब. सो यहाँ पे एक चीज क्या डिफरेंस है सिंथेटिक कंपाउंड से, दैट इज सिंथेटिक कंपाउंड्स में जो हेड है वो हमारे पास वर्ब से डिराइव किया गया है. लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि रूट कंपाउंड्स के अंदर जो हेड है वो वर्ब से डिराइव किया नहीं गया. इज टिपिकली नॉट डिराइव फ्रॉम अ वर्ब. इसके अंदर ये नहीं है कि जो हमारे पास जो है वो हेड जो है वो वर्ब ही होगा. इसके अंदर जो टू मॉर्फीम्स है रूट कंपाउंड्स बेसिकली वो नाउन्स हो सकते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स का कम्बिनेशन हो सकता है या फिर वर्ब्स हो सकते हैं. ये शर्त नहीं है कि जो हमारे पास हेड है वो क्या होगा, वर्ब होगा या फिर वर्ब से जो है वो डिराइव किया गया होगा. अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखें, कंपाउंड्स लाइक विंड मिल. सो यहाँ पे इट इज बेसिकली द कंपाउंड्स ऑफ द टू नाउन्स
यहाँ पे जो नॉन हेड है द फर्स्ट मॉर्फीम इज द नाउन एंड द सेकेंड मॉर्फीम दैट इज हेड इज ऑल्सो द नाउन. सो यहाँ पे जो है विंड मिल, आइस कोल्ड एंड ब्लू ग्रीन. सो यहाँ पे ब्लू ग्रीन दोनों एडजेक्टिव्स हैं, दोनों मॉर्फीम्स जो फ्री मॉर्फीम्स हैं दोनों ही, और ये क्या हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं. सो ये हमारे पास क्या है रूट कंपाउंड्स. ये एग्जाम्पल है हमारे पास रूट कंपाउंड्स की, कि इसके अंदर जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उसके अंदर जो मॉर्फीम्स हैं वो दोनों क्या हो सकते हैं, नाउन्स भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, या फिर वर्ब्स भी हो सकते हैं. सो ये हमारे पास जो है वो सिंथेटिक और द रूट कंपाउंड्स जो मेन टाइप्स हैं कंपाउंड्स की, उनको हमने क्या कर दिया, क्लियर किया है. नेक्स्ट हमारे पास फर्दर जो है कंपाउंड्स की डिवीजन की गई, बिजाटो एंड स्कैलिस ने 2005 में प्रपोज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, लाइक फर्दर जो कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया गया थ्री टाइप्स के अंदर, एंड दैट आर द एट्रीब्यूटिव कंपाउंड्स, द सेकेंड वन द कोऑर्डिनेटिव कंपाउंड्स, एंड द थर्ड वन सबऑर्डिनेटिव कंपाउंड्स. सो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि वॉट आर द एट्रीब्यूटिव कंपाउंड्स. एट्रीब्यूटिव कंपाउंड्स, इन एन एट्रीब्यूटिव कंपाउंड द नॉन हेड एक्ट एज अ मॉडिफायर ऑफ द हेड. लाइक इसके अंदर भी जो हमारे पास नॉन हेड है वो मॉडिफाई होगा किसका, मॉडिफायर होगा हेड का. अगर हम देखें स्नेल मेल, ये हमारे पास एक कंपाउंड है. स्नेल मेल इज मेटाफोरिकली अ काइंड ऑफ मेल दैट मूव्स लाइक अ स्नेल. सो यहाँ पे मेल हमारे पास हेड है, ठीक है, और उसको जो हमारे पास मॉडिफाई कर रहा है वो हमारे पास नॉन हेड है. स्नेल एक नॉन हेड है और मेल हमारे पास हेड है. मेल लाइक विच काइंड ऑफ मेल, मेल दैट मूव्स लाइक स्नेल. सो ये भी हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट कर रहा है, लाइक हेड जो है वो नॉन हेड जो है वो मीनिंग एट्रीब्यूट कर रहा है किसको, हेड को. सो ये आपस में इनका एक रिलेशन है कि मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. स्नेल मेल, मेल दैट मूव्स लाइक अ स्नेल. इसी तरह एंड अ विंड मिल, विच काइंड ऑफ मिल, मिल हेड है हमारे पास यहाँ पे और विंड जो विंड है हमारे पास वो नॉन हेड है. सो विंड मिल इज अ काइंड ऑफ मिल दैट इज एक्टिवेटेड बाय, दैट इज एक्टिवेटेड बाय विंड. सो यहां पे अगर हम देखें विंड मिल इज अ काइंड ऑफ मिल दैट इज एक्टिवेटेड बाय विंड. सो यहां पे भी नॉन हेड जो है वो हेड को, हेड के मीनिंग को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. विद एट्रीब्यूटिव कंपाउंड्स इज द फर्स्ट एलिमेंट माइट एक्सप्रेस जस्ट अबाउट एनी रिलेशनशिप विद द हेड. सो यहाँ पे इस इन कंपाउंड्स के अंदर दोनों मॉर्फीम्स जो हैं वो एक दूसरे को, एक दूसरे के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं और ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड अप करते हैं. सो ये एक दूसरे को जो हमारे पास नॉन हेड है वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है हेड के मीनिंग को, तब जाके ये कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे करते हैं. कोऑर्डिनेटिव कंपाउंड्स, द सेकेंड टाइप इज द कोऑर्डिनेटिव कंपाउंड्स. In coordinative compounds, the first element of the compound does not modify the second. Instead, the two have equal weight. तो इस इन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो द फर्स्ट वन दैट इज नॉन हेड वो क्या करता है, वो हेड की मीनिंग को मॉडिफाई नहीं कर रहा होता, ठीक है. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड डज नॉट मॉडिफाई द सेकेंड, यानी कि नॉन हेड जो है वो हेड को मॉडिफाई नहीं कर रहा होता. Instead, the two have equal weight. Coordinative compounds किस तरह से attributive compound से different है कि वहां पर तो non-head modify करता है head को, लेकिन coordinative compounds के अंदर non-head जो है वो modify नहीं कर रहा होता head को. Both of these morphemes, both of the two morphemes have equal weight. Like example में अगर हम देखें copy paste and the African American. So अगर हम बोले African American, अगर हम बोलें जस्ट अमेरिकन, तो इंडिपेंडेंटली जो है वो स्टेबल है. और इस तरह अफ्रीकन, अफ्रीकन अमेरिकन, सो ये बिल्कुल भी जो है वो अफ्रीकन जो नॉन हेड है वो मॉडिफाई नहीं कर रहा अमेरिकन अमेरिकन को. सो इसी तरह कॉपी पेस्ट, सो ये बोथ ऑफ दीज हैव इक्वल वेट. सो ये हमारे पास हो गए कोऑर्डिनेटिव कंपाउंड्स. एंड द नेक्स्ट वन आर द सबऑर्डिनेटिव कंपाउंड. सबऑर्डिनेटिव कंपाउंड कौन से होते हैं? इन सबऑर्डिनेटिव कंपाउंड
वन एलिमेंट इज इंटरप्टेड एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द अदर यूजली एज इट्स ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली सबऑर्डिनेटिव कंपाउंड्स हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये सेकेंड नेम है हमारे पास सिंथेटिक कंपाउंड्स का. उनके अंदर भी जो था वो नॉन हेड जो था वो मॉडिफाई कर रहा था किसको, हेड को. इसी तरह इन सबऑर्डिनेटिव कंपाउंड्स में वन एलिमेंट इज इंटरप्टेड एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द अदर यूजली एज इट्स ऑब्जेक्ट. टिपिकली दिस हैपन्स वेन वन एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड इधर इज अ वर्ब और इज डिराइव फ्रॉम वर्ब. सो द सिंथेटिक कंपाउंड्स वी लुक एट अबव आर सबऑर्डिनेटिव कंपाउंड्स इन इंग्लिश. सो जो हमारे पास जो है वो सिंथेटिक कंपाउंड सबऑर्डिनेटिव कंपाउंड्स जो हैं ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का रिवर्स एक दूसरे का ही नेम है लाइक सिंथेटिक और सबऑर्डिनेटिव कंपाउंड्स. क्योंकि सिंथेटिक कंपाउंड्स के अंदर भी जो हमारे पास वन एलिमेंट है वो क्या करता है इंटरप्टेड एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द अदर लाइक वो जो मॉडिफाई कर रहा होता है हेड को. इसी तरह जो हमारे पास सबऑर्डिनेटिव कंपाउंड्स हैं उनके अंदर भी ऐसे ही बिल्कुल सेम है जैसे कि सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं. सो ये हमारे पास टाइप्स थी कंपाउंड्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी था. सो आज की वीडियो में मैंने इन तमाम चीज़ों को क्लियर किया है कि टाइप्स क्या हैं कंपाउंड्स की. ठीक है, मेन टाइप्स बताएंगे फिर फर्दर डिवीजन जो थी उसको मैंने डिस्कस किया है. सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और आपको इन तमाम कंसेप्ट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.